हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होगे, खुश होगे। एंड आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है वो है दी लव मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, फ्रॉम योर सोलमेट। ठीक है, आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड है उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस, उनकी तरफ से लव लेटर भी कह सकते हैं आप। तो आपके सामने दो पाइल रखे हुए हैं, आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लो। पाइल वन ब्लू मून, पाइल टू सिल्वर या वाइट मून। तो जो मून आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप इंट्यूटिवली उसको मेडिटेट करके सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आप सबकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हेलो माई ब्यूटिफुल ब्लू मून फर्स्ट पाइल, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या हैं जी लव मैसेजेस आपके लिए। उनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस भी हैं, लव मैसेजेस, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, बट पहले हम रीडिंग देख लें कि आपके पर्सन के क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या वो कहना चाहते हैं आपको। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, ग्रुप वन। आपके जो पार्टनर हैं, पहली तो बात यह है कि लव मैसेज आपको ये देना चाह रहे हैं, आपके जो सोलमेट ले लें या फ्यूचर स्पाउस ले लें। गाइस, पहली तो बात यह है कि वो आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं। ठीक है, आपको एक यूनियन का, शादी का एक, देखिए ये नाइट है, एक बहुत यंग बॉय है, यंग मैन है, एंड ही इज़ होल्डिंग अ कप। इन्होंने कप पकड़ा हुआ है और ये अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना प्रेम का इजहार करना चाहते हैं और आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। ठीक है, इसको आप एक बुके भी कह सकते हैं, मे बी ही विल प्रपोज यू, वही वांट्स टू प्रपोज यू विद बुके इन हिज हैंड। ठीक है, तो बुके के साथ या फूल के साथ आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, ऐसे वो चाहते हैं। ओके, नाइन ऑफ सोर्स के साथ ही डज हैव सम स्लीप इश्यूज, उनको कुछ सोने का मसला है, इंसोम्निया हो सकता है, या फिर भी पॉसिबल है कि अगर आप उनको अभी नहीं मिले हो तो ही इज़ ऑलरेडी मतलब गोइंग थ्रू सम ब्रेकअप, कुछ ब्रेकअप से वो गुजर रहे हैं, एंड उनको वहाँ पर धोखा मिला है, डिसीव मिला है, एंड ही इज़ वेरी पीटर, बड़े परेशान हैं वो, उनको रातों को नींद नहीं आती और उनको ऐसे लगा कि ये गलती सीन हो गया मेरे से, मुझे इसके साथ तेरे से रिलेशनशिप बनाना ही नहीं चाहिए था, कुछ इस तरह का सिलसिला चल रहा है। और वो आपको सोचते हैं, आपको मतलब आप जो उनके सोलमेट हैं, फ्यूचर स्पाउस हैं, वही सोचते हैं कि पता नहीं वो कहाँ पर है, सारी सारी रात उनके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में, आपको कहना चाहते हैं कि मैं आपके बारे में सोचता हूँ, एंड रात को सारी सारी रात भी अक्सर में निकल जाती है इस परेशानी में। ऑल राइट, आपको वो ऑफ़र करना चाहते हैं अपना मनी। ठीक है, मतलब आपको वो अपना, आपके साथ अपने फाइनेंसिस, ये इंसान मटीरियली बहुत वेल ऑफ है, ये भी पॉसिबल है कि इनका जो कार्मिक है इनके पीछे इसीलिए आया हो, क्योंकि ये मटेरियली बहुत वेल ऑफ हैं पैसे की वजह से। तो ये उनको बात उनको समझ में आ गई है, बट वो अपना पैसा अब कार्मिक के साथ नहीं बल्कि अपने ट्रू पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि आप हो, समझे ना। तो वो चाहते हैं कि उनका जो पैसा है वो, देखिए इन्होंने कैसे संभाल के रखा हुआ है, इन्होंने ऐसे ऐसे हक किया हुआ है, अब वो मज़ीद उसको उस कार्मिक पर नहीं लुटाना चाहते हैं, और वो आपको कहना चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा ट्रू मेट है, जो मेरा सोल मेट है। देखिए कपल ने कैसे हक किया हुआ, एनीवन नहीं वांट्स ग्रैंड चिल्ड्रन विद यू, वो ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ ग्रो करेंगे, ओल्ड होंगे, बूढ़े होंगे दोनों आप लोग,
और आपके ग्रैंड चिल्ड्रेन होंगे, एंड ये सारा पैसा, ये सारे पेंटिकल्स कॉइन्स, ये आपको अपनी फैमिली को वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, जो कि उनकी असल फैमिली है, जो कि आप हो, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स ये वेडिंग का कार्ड होता है, ठीक है। वेडिंग कह लें आप, कोई बड़ी इवेंट, कोई बड़ा पार्टी, कोई नहीं, ये वैसे शादी का इवेंट होता है, ये मंडप बना होता है फोर ऑफ वॉन्ड्स का। एंड कुछ लोगों के केसेस में ये 11-11 भी है, ये मतलब सॉरी ट्विन फ्लेम, यू गाइस आर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जो कि अभी अभी अपने कार्मिक से डील करके आए हैं, एंड नाउ ही वॉन्ट्स यूनियन विद यू। गाइस वो कहना चाहते हैं कि मैं अपनी दौलत को, अपनी इनहेरिटेंस को, ये क्या इनहेरिटेड, इन्होंने कमाई भी इतनी नहीं है, बट इज़ अ वेरी यू नो, एक होते हैं ना सही बिजनेसमैन, जिनको फैमिली वाइज ये बिजनेस आया हुआ होता है, ये इस तरह का पर्सन है। एंड लेकिन ये अपने काम के काफ़ी स्किलफुल पर्सन है, बट वो चाहते हैं कि इनके पैसे का सही इस्तेमाल हो। ये पता नहीं क्यों पैसे की बहुत यहाँ पे वाइब आ रही, पैसे का बड़ा मसला, मेरे ख्याल में शायद ये कार्मिक ने इनके साथ को धोखा किया है पैसे का ना, शायद को लेके भाग गए हो या कुछ फ्रॉड किया हो, या इसकी वजह ये भी वजह हो सकती कि इनको रात को नींद नहीं आती है, परेशान है। ऑब्वियसली परेशानी तो होती है ना जब एक इमोशनल इंसान ड्रेन हो जाए, ऊपर से फिर कोई फिनेंशियली भी धोखा करे। एनीवेज बहरहाल ये भी वेडिंग है, एंड आपकी वेडिंग वो चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं कि वेडिंग आपके साथ वो बहुत ट्रेडिशनल रखेंगे, जिसमें बहुत सारी फैमिली होगी। इट इज़ अ वेरी बिग फैमिली, आई एम डेट श्योर, बहुत बड़ी इनका परिवार है, बहुत ज़्यादा लोग हैं उनमें, एंड इनके परिवार में बुज़ुर्गों का, बहुत बड़ों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, उनका बहुत मान सम्मान है, बड़ों की बहुत बात कही सुनी जाती है ना, तो ये बड़ी रिस्पेक्टफुल फैमिली है। मे बी सम फेमस फैमिली एज वेल, ये भी हो सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी है। और है जी इनकी तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। मैं आपको कहा ना कि ये वो नाउ ही वांट्स न्यू पर्सन, इनका कोई ब्रेकअप हुआ है पीछे, एंड वो चाहते हैं कि ये देखिए कोई न्यू पर्सन हो, कोई न्यू गर्ल हो, मतलब उनके जो सोलमेट है वो अब उनको राइट पर्सन को अपना अपनी इमोशंस, अपना मोहब्बत, अपना प्यार उसके साथ अब शेयर करेंगे। ये अब ऐसे नहीं किसी अरे यारे को उठा करके अपना दिल देंगे। नेक्स्ट, ऑल राइट, रिलीज योर एक्स। देखिए एनर्जी कैसे हो रही है, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। मैंने आपसे कहा कि इनका कोई एक्स है और ये अब उसको रिलीज़ कर रहे हैं, और उन्होंने सोच लिया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी एनर्जी को क्लियर करूँ और इस कार्मिक से जान छुड़वाऊँ जिसने मेरे साथ धोखा किया है। एंड वो आपको मतलब जो आप अपने ट्रू मेट हैं, फ्यूचर स्पाउस हैं, उनको सोचते हैं आप, ठीक है, उनको अकल आ गई है कहने में, मतलब दूसरे वर्ड्स में, तो राइट बेचारे बड़े परेशान हैं। वेरी सून बहुत जल्द ही आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, आपको शादी करना चाहते हैं, शादी का कार्ड होता है, ठीक है, आपसे शादी बहुत जल्द करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बस मज़ीद डिले ना हो, पहली बहुत डिले हो गया। केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, उनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन आती है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आती है, वो चाहते हैं कि आपके साथ ही रहें हमेशा, सारी ज़िंदगी, ये सारी ये जन्म आप ही के साथ गुजारें, बल्कि अगले जन्म भी आप ही के साथ गुजारें, ये उनकी इच्छा है, ठीक है। और लाइट अगर आपके पास आप करंट अपने पार्टनर के साथ हो, सोलमेट के साथ हो जिसके बारे में, तो ये थोड़ा सा उनका रीसेंट पास्ट हो सकता है, बट राइट नाउ उनकी फीलिंग्स आपके लिए ये ही हैं। और है जी इनकी तरफ से मैसेज, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। वो आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं जो उन्होंने कभी नहीं की। वो कहते हैं कि मैं अपने दिल की बातें तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे जो भी पार्टनर मिले हैं उन्होंने आज तक मेरे को धोखा दिया है, मैं अपने दिल की बात नहीं कर सका उनके साथ, एंड तुमके साथ मैं अपने दिल की बात करूँगा, एंड हम दोनों मिलकर वो गाना है ना, दिल दियाँ गल्लां करांगे नाल नाल बह के, वो वाला गाना मेरे जहन में आ रहा है,
कुछ इस तरह की इनकी है। चिल्ड्रन, ओके, ही वॉन्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम यू, ठीक है, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, एंड उनकी ये मैसेज है आपके लिए कि आप बच्चे चाहते हैं। ही इज़ टायर्ड ऑफ बींग अलोन नाउ, बहुत लोनलीनेस उन्होंने गुजार ली, बट अब वो परिवार बनाना चाहिए, परिवार का कार्ड था ना, परिवार चाहते हैं वो आपसे, एक अच्छा उनका भी फैमिली हो, मे भी उनके सब पैर सिबलिंग्स मैरिड हैं अभी, या उनके बच्चे हैं, यही सिंगल रह गए हैं। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, तो वो आपके साथ एक रोमांटिक सी लाइफ, लाइट सी रखना चाहते हैं, जिसमें कोई गम ना हो, परेशानी ना हो, इसमें एक दूसरे का ब्लेम ना करें, ब्लेम गेम ना करें। पहले मेरे ख्याल में ये जो पर्सन है ना, ये बड़ी किसी हार्ड टाइम से गुजरे हैं, एंड इनको ऐसे लगता है कि बड़ा परेशानी में गुजरे हैं इनकी ज़िंदगी। एनीवेज, इनकी तरफ से पर्सनल मैसेजेस देख लें हम। पर्सनल मैसेजेस हैं जी इनकी तरफ से, योर स्माइल इज़ अ किलर, ओके, आई मे नॉट बी योर फर्स्ट वन बट आई वन बी योर लास्ट वन, ओके, आई एम अनएबल टू बियर दिस गेज़ समटाइम्स, आपकी गेज़ है ना उनको बहुत पसंद आएगी, मतलब आप जिस तरह से देखते हो उनको, उनकी आंखों में आंखें डाल के आप देखोगे ना रोमांटिकली, तो ठीक है। लंच और डिनर डेट, ओके, यू आर माई ट्रू लव, ठीक है, यू आर माई ओनली वन, आप पे ओनली वन के, अभी तो कार्मिक से डील करके आए आप, वो क्या था मजाक करूँ, मतलब ओनली वन मतलब यू आर दी ओनली वन सोलमेट, ठीक है, विल यू मैरी मी, शादी की इनको काफ़ी जल्दी है, आपसे शादी करना चाहते हैं, मेरे को पहले ही पता है, वी डू हैव अ सोल कनेक्शन, ठीक है जी, कन्फर्म हो गया, सोलमेट हैं आपके, एंड ही इज़ कमिंग, मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शादी, इसलिए उनका ब्रेकअप करवाया आपने। एनीवेज, यू आर द वन हु स्पेंट द प्रीवियस लाइफ विद, ठीक है, नदर कार्ड सोलमेट का कन्फर्मेशन, ये मेरे ख्याल में आपकी मैनिफेस्टेशंस है ना, उन्होंने इनका सारा सारा ब्रेकअप करवाया है ताकि आपकी तरफ आएंगे। ऑलराइट, यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी, आप उनके लिए ब्लेसिंग है। माई हार्ट पाउंड्स सो फास्ट व्हेन आई थिंक अबाउट यू, आपके बारे में भी सोचते हैं ना आप, इनके दिल की धड़कन डग 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 डग, ओके, आई एम ऑन माई वे डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ जाओ जल्दी से। आई स्पेंट ऑल माई स्लीपलेस नाइट इन योर मेमोरीज़, क्या कहा था मैंने यहाँ पे, यहाँ पर मैंने कहा था ना कि ही स्पेंड्स स्लीपलेस नाइट्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ओके, डबल कन्फर्मेशन। योर लैप इज़ द वर्ल्ड सॉफ्टेस्ट पिलो, आपकी लैप उनके लिए दुनिया का सबसे नरम पिलो होगा, ओके। ऑनलाइन तीसरी कुछ लव मैसेजेस आपकी पर्सनल की तरफ से, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए एंड रेजोनेट करे, ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बाय बाय, आई लव यू। हेलो क्रिप्टो, सिल्वर या वाइट मून, हाँ, देखते हैं जी आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या लव मैसेजेस आपको वो देना चाह रहे हैं, एंड उनकी तरफ से लव लेटर क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं थ्रू सोल कनेक्शन, आप दोनों का जो टेलीपैथी कनेक्शन है, आप दोनों का जो सोल कनेक्शन है उसको लेकर के, उसके उस कनेक्शन को लेकर के मेरे थ्रू मैं एक चैनल हूँ, एक सोर्स हूँ आपको पहुँचाने का, चैनल ब्लेसिंग्स टैरो, ओके, कार्मा कार्ड, सेवन ऑफ कप्स, मून, डेथ, सन, जस्टिस, ओके, ग्रुप टू, आपके जो पर्सन हैं
आपके जो सोलमेट हैं वो आपको कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को अभी तक ये मिले नहीं, बट ही इज़ सर्चिंग फॉर यू, आपको वो ढूंढ रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, बहुत सारी चॉइसेस है अभी ना इनका, कुछ इस तरह का सिस्टम है। आपको कहना चाह रहे हैं कि दे आर सर्चिंग फॉर यू, आपको ढूंढ रहे हैं वो, उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। मतलब उनका ना इस तरह का सीन है, उनकी फैमिली में काफ़ी रिश्ते हैं, या उनके कह लें कि बहुत सी ये कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी है कि काफ़ी सारी लड़कियाँ या लड़के इन पर, मतलब जो भी जेंडर है इनका, इन पे मतलब काफ़ी फ़िदा हैं, ठीक है। यह हो सकता है काफ़ी गुड लुकिंग है, एंड इफ़ नॉट गुड लुकिंग बट ही इज़ वेरी, मतलब बड़े ये जस्टिस पसंद करते हैं ना, कोई किसी हाई पोस्ट पर यह पर्सन है तो मे बी इस वजह से काफ़ी लोग इनके पीछे हैं। ही हैज़ अ लॉट ऑफ चॉइसेस, बट वो कहते हैं, आपको अगर बताना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, मैं कर नहीं सकता ट्रस्ट, मुझे यकीन नहीं है, मुझे विश्वास ही नहीं है किसी पर के कौन कैसा निकले, ठीक है। आप देखिए कि ये यहाँ पर सेवन कप्स है, एंड इसमें सब में ब्लेसिंग्स नहीं है, इस कप में रेनबो है, चाहे ब्लेसिंग इसमें कॉइन है, एंड इस में जो ड्रैगन आ गया है, इस कप में एक स्केरी सी कैट है, इस कप में एक कासल है, महल है, तो बहरहाल इसमें मरमेड है। मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं उनके पास, बट ही कांट ट्रस्ट इन एनीवन के अंदर से क्या कोई क्या निकले क्या पता, ठीक है। इस वजह से वो स्टेप नहीं ले रहे, वो कहते हैं कि मैं डरता हूँ कि मुझे कोई गलत इंसान ना मिल जाए, मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ हो, तुम मेरा ट्रू मेट हो, सोलमेट हो, मैं तुम ही को पाना चाहता हूँ, ठीक है। डेथ कार्ड से वो आपको बताना चाह रहे हैं कि मैं तमाम पुराने रिश्तों को तोड़ चुका हूँ जो कि अभी तक नहीं चले थे मेरे साथ, जो मेरे साथ कार्मिक थे, एंड मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, एक नई सुबह, एक नई सनराइज़, एक न्यू सनराइज़ आपके साथ ये पर्सन चाहते हैं। ऑलराइट, तो ये पर्सन जो है इनके साथ शायद पीछे न्याय नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मुझे हमेशा मेरा लोग फ़ायदा उठाते रहे हैं, एंड मतलब मैंने काफ़ी सारी दुआएं भी की हैं, प्रार्थनाएं भी कराई हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं, इन वेन लोग मेरे को धोखा दे रहे हैं। दे वॉन्ट जस्टिस विद हिम, वो कहते हैं कि मैं एक साफ़ दिल का इंसान हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं एक मतलब जिसके साथ भी चलता हूँ फेयर होकर चलता हूँ, बट बदले में लोग जो है मुझे इस सिचुएशन में डाल देते हैं कि मुझे सोचना पड़ता है, पता नहीं कौन ठीक है कौन गलत है, काफ़ी दुविधा में ये पर्सन रहता है। बहरहाल काफ़ी ना इनके डरे हुए नहीं है, मतलब कन्फ्यूज्ड हैं, एंड वो आजकल की जो सोसाइटी है, मैं तो कहती हूँ डरना ही चाहिए, ऐसे किसी को अपना हाथ नहीं पकड़ा देना चाहिए, तो अदरवाइज़ वो ही वॉन्ट्स जस्टिस विद हिज रोमांटिक लाइफ, एंड वो जस्टिस उनको कब मिलेगा, जब आप उनकी लाइफ में आओगे, ठीक है। तो बहरहाल वो आपको बुला रहे हैं, एंड ही वॉन्ट्स टू ऑब्वियसली मैरी यू, एंड हैविंग अ ब्यूटीफुल क्यूट सा सन आपके साथ बेटा। ऑलराइट, तो बहरहाल यहाँ पे हॉर्स भी है, तो बल्कि दो हॉर्सेज हैं, डेफिनेटली ही इज़ एडवांसिंग टूवर्ड्स यू, लेकिन ये घोड़े अभी चल नहीं रहे हैं, ये खड़े में, ठीक है। मीन्स ही स्टैंडिंग राइट नाउ, अभी वो हैंग सिचुएशन में, अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब किस तरह से लाइफ को लेकर के चले आने। किस तरह से वो ज़िंदगी को लेकर के चले एंड किस मतलब किधर वो जाएँ, ठीक है। तो बहरहाल उनकी तरफ से कुछ जो है, बाकी ओरेकल कार्ड से भी उनका मैसेज आपके लिए देखें, देख लेते हैं। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। वो एक ब्रॉड माइंडेड पर्सन है, वो ये समझते हैं कि लोगों को एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप वो समझते हैं कि शायद आप किसी और टाइप की भी हो सकती हो, उनकी टाइप की ना भी हो, तो बहरहाल उनका एक ओपन माइंड है, वो आपको किसी भी तरह से स्वीकार करेंगे अगर आप लॉयल हैं उनके साथ, आपके उनके ट्रू मेट ट्रू पार्टनर अगर हो ना,
तो वो आपको स्वीकार करेंगे चाहे कुछ भी सिचुएशन है। इतना ही लविंग एंड बड़ा ब्रॉड माइंडेड पर्सन है। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मैंने कहा कि ये दुनिया से इन्होंने नाता तोड़ने का सोचा है क्योंकि उनको पीछे कभी पास में धोखे मिले, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैं दुनिया से डिसकनेक्ट होकर मेडिटेट करना चाहता हूँ, अलहदा सेपरेट होकर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे को नेक्स्ट अब धोखा नहीं मिले रिलेशनशिप में एंड मेरा ट्रू मेट ही आए जो कि आप हो। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपसे दिल की बात करना चाहते हैं, वो आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते एंड आपसे मिल करके जो कुछ हुआ पास्ट में वो शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो कितनी पीड़ा में रहे हैं आपके बिना। ओके, और है जी यहाँ पर गेटिंग टू नो ईच अदर। जैसे जैसे आप दोनों का प्रेम बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा ना, आप दोनों एक दूसरे को और जानने लगोगे ना, आप दोनों का प्यार और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चाहते हैं वो कि आपसे मिलें, आपसे वो फिज़िकल कांटेक्ट में आए, क्योंकि आप दोनों फिजिकल कांटेक्ट में नहीं हो, मे बी टेलीपैथी या स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हो सकती हो, बट यू आर नॉट फिज़िकली कनेक्टेड राइट नाउ। उनको फिज़िकल कनेक्शन चाहिए आपके साथ, ठीक है, शादी और ये वो आपको बताना चाह रहे हैं। एनीवेज, यू डिज़र्व लव, वो आपको प्यार देना चाहती हैं, वो कहती हैं हाँ बहुत प्यारी हो, मतलब बड़ी क्यूट हैं एंड लवेबल हैं, आपको भी शायद अभी तक ट्रू लव नहीं मिला एंड वो आपके साथ ही शेयर करना चाहते हैं अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, ठीक है। मेक द एफर्ट, वो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश करेंगे, वो आपको कहना चाहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी तरफ किसी तरह हूँ। देखिए अब ये देखिए ये गर्ल है, ठीक है, और ये बॉय है, ठीक है। अब इनके बीच में ये दीवार है, आपको अगर नज़र आ रहा है तो इन दोनों के बीच में दीवार है एंड ये उसके दीवार के उस पार है लड़का लड़की इधर है, ठीक है। ये दीवार से जंप करके उससे कूद के इधर आया है इसको किस करने, ठीक है। एंड बड़ी ये नहीं दिखी लड़के की पोजीशन, काफ़ी लग रहा है कि रियली मेकिंग एफर्ट बेचारा, ठीक है। तो अदरवाइज इसको इस तरह की एफर्ट ही करना चाहिए दीवार के उधर उस पार से, ये दूसरी किसी डिफरेंट कंट्री से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह ये एफर्ट करेंगे आपके लिए, इट्स वेरी क्यूट, बहुत ही क्यूट हो आप दोनों। एनीवेज, आपके जो पर्सन हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस भी हैं, पर्सनल मैसेजेस, वो भी हम देखेंगे। आई एम अनएबल टू बियर दिस गेज समटाइम, वो कहते हैं कि आपकी जो नज़र है ना किलर है, किलर 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 है आपकी नज़र। यू आर माई अदर हाफ, प्लीज़ कम्प्लीट मी। ओके, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं क्योंकि अदर हाफ आपके ट्विन फ्लेम्स ही होते हैं नॉर्मली। आई स्पेंट ऑलमोस्ट स्लीपलेस नाइट्स इन योर मेमोरीज, आपकी यादों में अक्सर ये रात को नहीं सो पाते ठीक तरह से, या इनके साथ कुछ ऐसा घटना घटी है पास्ट रिलेशनशिप्स में कि नाउ इज अनएबल टू रिकवर फ्रॉम दैट। आई विल होल्ड दीज हैंड्स फॉर एवर, कहते हैं इन हाथों को नहीं मैं छोड़ूंगा, इनको मैं हमेशा पकड़े रखूँगा। ओके, योर लैप इज़ वर्ल्ड सॉफ्टेस्ट पिलो, आपकी जो लैप है वो उनको बहुत सॉफ्ट पिलो की तरह, ठीक है, फॉर एवर योर्स, हमेशा आपके हैं। एंड मेरे बस में नहीं है, नहीं तो अभी तुम्हें दुल्हन बना कर ले जाऊं, बस में नहीं है जी, फिजिकल दूरियां हैं, बड़े परेशान लग रहे हैं ये, वेट नहीं इनसे हो रहा। वाई आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू, वो पूछ रहे थे मेरे को हमेशा तुम्हारा सपना क्यों आता है, इसका रिप्लाई मैं उनको देती हूँ और वो ये है जनाब कि आप दोनों सोलमेट हैं, ठीक है, इसलिए आपको आपका सपना आता है, ये ट्विन फ्लेम है क्योंकि सपने में आते हैं ज़रूर, ठीक है जी। आई होप वो भी देख रहे हो ये रीडिंग। तो डेस्परेटली वेटिंग फॉर आवर यूनियन, आप वो आपको दोनों का फिजिकल यूनियन हो जाए, वो डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। एंड आर यू द वन वी स्पेंट द प्रीवियस लाइफ विथ, कहते हैं आप वही हो ना जिसके साथ मैंने प्रीवियस लाइफ गुजारी थी। यस यस, शी इज़ द वन,
मेरे से आंसर लीजिए, यही है। अब आ जाइए जल्दी से, इतना ना उनको इंतज़ार कराइए, ठीक है ना। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। किधर है? मुझे समझ नहीं आ रही किधर है। आओ तो पता चलेगा ना किधर है। एनीवेज सोल कनेक्शन इज़ नॉट अ जोक, ओके ओके सॉरी जी। मजाक कह रही हूँ, साथ ही देखे कहते हैं मजाक ना करो, ये हमारा सोल कनेक्शन है एंड ये मजाक नहीं है। अच्छा सॉरी भाई, आई एम सॉरी। इन योर प्रेजेंस आई कांट कंसंट्रेट ऑन एनी थिंग, कहते इतनी अट्रैक्टिव हो, इतनी अल्योरिंग हो, इतनी ब्यूटीफुल हो कि आपके प्रेजेंस में मेरे से चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं होता, डिस्ट्रैक्टिव हो आप, डिस्ट्रैक्ट कर देती हो उनको। वाह, कब मिलोगे मुझसे, कब मिलोगी, ये आप उनसे ना पूछिए, अपने आप से पूछिए, ठीक है ना। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स से ना पूछें कब मिलेंगे, वो तो बेचारे कब से इंतज़ार कर रहे हैं। ऑलराइट, माय हार्ट पाउंड्स सो फास्ट व्हेन आई थिंक अबाउट यू, जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनका हार्ट, दिल की ढक 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 बहुत तेज हो जाती है। ओके, यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी, अपन के लिए ब्लेसिंग है। एनीवेज, और है जी हमारे पास, इतना प्यार दूंगा के पास के सब घाव भूल जाओगी। ओके थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए हमारे व्यूअर्स को, ठीक है जी। ये तो जी आपके प्यारे क्यूट से फ्यूचर स्पाउस, वो थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी में है, आपसे भी ज़्यादा जल्दी में मुझे लग रहा है, ठीक है। आई होप आप दोनों का यूनियन हो जाए, अपने वाइब्रेशंस को ठीक रखें, एंड आई विश एंड प्रे कि आप सबका फिजिकल यूनियन हो जाए 3D में, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बाय बाय एंड आई लव यू।